प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ कोल माइंस रेगुलेशन 140 ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग के बारे में चर्चा करूंगा। रेगुलेशन 140 ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग। हम जानते हैं कि कोल माइनिंग अंडरग्राउंड OCP से जो कोयला मिनरल जो निकालते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से फायर लग सकता है, और फायर के जो केसेज हैं उसके लिए पूरा हम फायर फाइटिंग का एक व्यवस्था रखते हैं, उसी से संबंधित ये कानूनी प्रावधान जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग। जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आए वहां पर वर्कमैन, उससे रिलेटेड मशीनरियां और उससे पूरी व्यवस्थाओं को समझा जाता है। तो यहां कोल माइंस रेगुलेशन 140 ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग के बारे में चर्चा करूंगा। इसका पहला सब रेगुलेशन है M4 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शैल एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बाय इंस्टॉलेशन फायर स्टेशन। मैनेजमेंट पर्याप्त व्यवस्था के साथ ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टॉल करेगा, फायर फाइटिंग स्टेशन बनाएगा। कहां कहां बनाएगा? मेन हॉलेज रोड, अंडरग्राउंड, मेन शाफ्ट इंटेक। मेन हॉलेज, अंडरग्राउंड, मेन शाफ्ट इंटेक, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये दोनों जगह पर ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में जगह, प्लेस, व्यवस्थाएं टोटल होंगी। अब देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए एक फायर फाइटिंग प्लान होगा जो दूसरा सब रेगुलेशन स्पेल करता है। दूसरा सब रेगुलेशन में जो फायर फाइटिंग प्लान है उस प्लान में क्या क्या होगा? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग जितने जो व्यवस्थाएं और इक्विपमेंट होंगी उसको दिखाना होगा। फायर एक्सटिंग्विशर भी हो सकता है, वाटर मेंस, पानी का जो व्यवस्थाएं होंगी वो, टेप्स, टेप्स, फायर फाइटिंग स्टेशन। फायर फाइटिंग स्टेशन कहां कहां है उस प्लान में दिखाएंगे। पावर स्टेशन, PS स्टेशन, पावर स्टेशन, वेंटिलेशन सिस्टम, वेंट सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, एस्केप रूट, भागने वाला रास्ता खदान से, इंफॉर्मेशन केप्ट अप टू डेट सरफेस और अंडरग्राउंड, और भी सारा इंफॉर्मेशन जो है वो फायर फाइटिंग से रिलेटेड, उसको हम उस प्लान में दिखाएंगे और उसको हम रखेंगे। ये दूसरा सब रेगुलेशन है, क्लियर? इसीलिए फायर फाइटिंग प्लान जैसे रेस्क्यू प्लान है उसी टाइप का ये स्टेचुटरी प्लान हो गया, जब रेगुलेशन प्रोवाइड कर दिया, और इस स्टेचुटरी प्लान को बना करके रखना पड़ेगा कहां पर फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है, कहां पर रूट है। तीसरा सब रेगुलेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन में ही आ गया, फायर फाइटिंग प्लान, फायर फाइटिंग स्टेशन और उसके अरेंजमेंट, इक्विपमेंट्स। अब आ गया पर्संस, ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं फायर फाइटिंग उसके लिए पर्संस। तीसरा सब रेगुलेशन स्पेल करता है पर्संस ऑपरेटर। पर्संस में वे सारे ऑपरेटर होंगे जो मशीन चलाते हैं, प्लांट्स चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, प्लांट्स, मशीन
ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, एचईएम ऑपरेटर शैल बी ट्रेंड फायर एक्सटिंग्विशर और अरेंजमेंट। क्लियर। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में वैसे वैसे पर्संस होंगे जो प्लांट चला रहे हैं, जैसे प्लांट में हो गया क्रशर, हो गया सीएचपी प्लांट, हो गया ये सारी प्लांट हैं ऊपर में, अंडरग्राउंड में भी कुछ प्लांट्स हो सकते हैं। तो वो प्लांट्स के ऑपरेटर जितने हैं वो फायर बुझाने के लिए पूरी जानकारी उनको ट्रेनिंग किया जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और व्यवस्था के बारे में कैसे बुझाएंगे। मशीन में आ गया एसडीएल, आ गया एलएसडी, आ गया कंटिन्यूअस माइनर्स, आ गया ये जितना अंडरग्राउंड मशीन्स, और ओसीपी में बोलता है एचईएमएम हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स शैल बी ट्रेंड, उनको ट्रेंड किया रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर्स और अरेंजमेंट के लिए। अब जानते हैं कि एचईएम में ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है, ऑटोमेशन रहता है, ये सारी व्यवस्थाएं उनको पर्सन को जानकारी होगा, इसके लिए ट्रेनिंग का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये थर्ड रेगुलेशन है। चौथा सब रेगुलेशन बोलता है मैनेजर फ्रेम स्टैंडिंग ऑर्डर, एक नियम बनाएंगे, एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनेगा, मैनेजर बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, जिसमें प्रोसीड्यूर आफ्टर वार्निंग, यदि फायर के केस में यदि चेतावनी होगा तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीड्यूर होगा वो बताएंगे, जैसे विथड्रावल ऑफ पर्संस, खदान में जो पर्सन फंसे हुए हैं उनको विथड्रॉ करना पड़ेगा फायर के केस में, नहीं तो क्लोज सर्किट में है, वहाँ पर क्लोज सर्किट में यदि फायर और सीओ होगा तो आदमी जल सकता है, सीओ पॉइजनिंग हो सकता है, तो इस स्थिति में विथड्रावल ऑफ पर्संस। फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, कैसे उसको बुझाएंगे फायर फाइटिंग का ऑपरेशंस, ये सिंपली चार सब रेगुलेशन है जिसमें ये मैनेजर फ्रेम करके रखेंगे कि कैसे हम फायर बुझाएंगे, बुझाने का व्यवस्था, वार्निंग कैसे करेंगे, विथड्रावल ऑफ पर्संस कैसे होगा, फायर फाइटिंग ऑपरेशन कैसे होगा। ये चार रेगुलेशन क्लियर हुआ। पहला रेगुलेशन कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल करेंगे जिसमें फायर स्टेशन इंस्टॉल करेंगे, ये मेन हॉलेज रोड में होगा, अंडरग्राउंड में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, मेन शाफ्ट इनटेक में होगा, अंडरग्राउंड में एक प्लान रखेंगे और हर ऑपरेटर को ट्रेनिंग देंगे। चौथा मैनेजर स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा, उसके अनुसार हम विथड्रावल ऑफ पर्संस और फायर फाइटिंग ऑपरेशन को हम लोग वॉच करेंगे। साथियों, माइनिंग विद्या चैनल से विभिन्न रेगुलेशन, कोल माइंस रेगुलेशन के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद बहुत लोगों का कमेंट बराबर आ रहा है गैस टेस्टिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए, मेथड ऑफ वर्क के लिए। मैं आप सभी लोगों को संतुष्ट करूंगा, सभी लोगों को हर वो टॉपिक जो आप पूछे हैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कोल माइंस रेगुलेशन विभिन्न प्रकार के विभिन्न टॉपिकों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं संवैधानिक रूप से, और उसका निचोड़ है। जैसे गैस टेस्टिंग संबंधी बहुत सारे रेगुलेशन इसमें हैं, मेथड ऑफ वर्क से बहुत सारे रेगुलेशन है, वेंटिलेशन से बहुत सारे रेगुलेशन है, तो मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा कि गैस टेस्टिंग वाले स्टूडेंट के लिए कौन कौन रेगुलेशन देखा जाए, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इसके बाद इसके अतिरिक्त गैस टेस्टिंग का जो कंप्रिहेंसिव विस्तार से मैं क्लासेस करूंगा बाद में, लेकिन पहले कोल माइंस रेगुलेशन पढ़ लिया जाए। स्थिर चित्त से ये सारे रेगुलेशन समझने के बाद माइनिंग के वो सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस का गूढ़ जो रहस्य है आपको पता चल जाएगा। फिर लाइन डायग्राम देने से ही सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए आप कृपया इस चैनल
माइनिंग विद्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। एक बार समझ नहीं आता है तो दूसरे बार भी इसको पढ़िए। धन्यवाद।